Hello and welcome to Krishna Classes. A Pact with the Sun is an educative story. It tells us that fresh air and sunshine are very necessary to maintain good health. If you are new to my channel, please do subscribe to Krishna Classes and also press the bell icon. चलिए आइए देखते हैं एक छोटी सी बच्ची सईदा की ये प्यारी सी कहानी जो हमें बताती है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ हवा और सूरज की धूप बहुत आवश्यक है। सईदा's mother had been ailing for a long time। सईदा की माँ काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। ailing means sick। fever, cough, body ache, painful joints and what not। उनको fever था, बुखार था, cough था, body ache था, शरीर में पूरे दर्द था, painful joints और उनकी हड्डियों के जोड़ों में भी तकलीफ थी and what not और पता नहीं क्या क्या तकलीफें उन्हें थी। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। वीक्स का मतलब है हफ्ते। कई हफ्ते तक वैरायटी ऑफ फिजिशियंस ने, अलग अलग प्रकार के चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने उनको ट्रीट किया। शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट और अक्सर उनमें ऐसा लगता कि सुधार हो रहा है, संकेत दिखाई देते इम्प्रूवमेंट के। बट सून शी रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ। फिर से वो बीमार पड़ जाती। रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ मींस शी वेंट बैक इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ। वो पहले जैसे बीमार थी वैसे ही फिर से हो जाती। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। उनकी एक कंप्लेंट की, एक तकलीफ की जगह कोई दूसरी तकलीफ ले लेती। सब्स्टिट्यूटेड मींस एक्सचेंज्ड। दो वीक एंड कलरलेस शी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। यद्यपि वो कमजोर थी और कलरलेस भी थी। कलरलेस का मतलब है उनमें खून की कमी थी और इसकी वजह से वो कलरलेस दिखाई देती थी, सफेद दिखाई देती थी। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। उनको नॉर्मल खाना मना कर रखा था। फॉरबिडन मीन्स शी वॉज नॉट अलाउड नॉर्मल फूड। एंड शी वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपैचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंची रूम। और उनको सख्त निर्देश थे कि वो परपैचुअली, परपैचुअली मीन्स कंटिन्यूअसली, वो लगातार अपने छोटे से डिंजी रूम में, छोटे से बंद बोरिंग कमरे में ही रहेंगी। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित। विद द डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड और उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां भी पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। फास्टेंड मीन्स क्लोज्ड। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर और उनको धूप से और साफ हवा से भी दूर रखा जाएगा। Deprived means kept away from, that she would be kept away from sunshine and fresh air, और उनको सूरज की धूप से, साफ हवा से भी दूर रखा जाएगा। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. जब वो क्रिटिकल हो गई, जब वो गंभीर रूप से बीमार हो गई, सीरियसली इल हो गई, तब उनके रिलेटिव्स और नेबर्स ने, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों और नेबर्स यानी पड़ोसियों ने परस्यूएडेड हर, उनको मना लिया, इस बात के लिए राजी कर लिया टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, कि वो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करेंगी, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को कंसल्ट करेंगी। इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई। Even though means जबकि, यद्यपि, his fees was likely to be high, उसकी फीस काफी ज्यादा होने वाली थी। भले ही उस विशेषज्ञ की फीस ज्यादा होगी, तब भी उनके रिश्तेदारों और उनके पड़ोसियों ने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करेंगी। Life is more precious than money, they said। उन्होंने कहा कि जीवन पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। दे हियर आर हर नेबर्स एंड रिलेटिव्स। दे यहाँ पर सईदा की माँ के पड़ोसियों और रिलेटिव्स के लिए आया है। सईदाज मदर वॉज पुअर। सईदा की माँ गरीब थी। बट शी हीडेड देयर एडवाइस। लेकिन उसने उन लोगों की सलाह सुनी। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स और कुछ ट्रिंकेट्स, कुछ ऑर्नामेंट्स को, कुछ छोटे मोटे जेवरों को बेच दिया to pay the doctor's fee and the cost of medicine, ताकि वो डॉक्टर की फीस का भी पेमेंट कर सके और
मेडिसिन की कॉस्ट को बेयर करने के लिए भी उनके पास कुछ पैसे हो जाएं। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज। डॉक्टर कुछ दिनों में आया एंड एग्जामिन्ड हर, और उसने उनको एग्जामिन किया, उनको ऑब्जर्व किया एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। और फिर उस डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, एडवाइस दी या सुझाव दिया इफेक्टिव, प्रभावशाली लेकिन कॉस्टली मेडिसिन का। कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाइयां उसने लिखी जो इफेक्टिव तो होंगी लेकिन थोड़ा कॉस्टली होंगी, थोड़ा महंगी होंगी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड। इस प्रश्न को पूछने पर कि उन्हें क्या खाना चाहिए, ही सेड, उसने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो कुछ भी आप खाना चाहें, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, चपाती यानी रोटियां, सब्जी, दूध, फल आदि। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इस सब के साथ, ही एडेड इम्फेटिकली, उसने जोर देते हुए कहा, इम्फेटिकली मीन्स फोर्सफुली, बहुत जोर से या बहुत जोर देते हुए डॉक्टर ने कहा, लीव दिस डार्क होवल, इस अंधेरी कोठरी को, होवल मीन्स इस कोठरी को, इस अंधेरी कोठरी को छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम, और एक बड़े कमरे में रहो, विद द डोर्स एंड विंडोज ओपन, और उस बड़े कमरे के भी दरवाजे और खिड़कियां खुले होने चाहिए। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और हर रोज हर सुबह धूप में बैठो, फ्रॉम 8 to 9, 8 बजे से 9 बजे तक, सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। और फिर डॉक्टर ने अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, कंप्लीट करते हुए कहा, सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप और साफ हवा आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, दवाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दवाई से भी ज्यादा जरूरी है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। डॉक्टर और उसकी सलाह एक जोर जोर से होने वाली चर्चा का विषय बन गई अमंग ऑल प्रेजेंट, उन सभी के बीच जो वहां पर उस समय मौजूद थे। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ ने डॉक्टर की सलाह का फेवर किया, समर्थन किया, वाइल अदर्स अपोज्ड इट, जबकि दूसरों ने विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर, हवा और धूप आदि में सामने पड़ना, फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ, किसी ऐसे के लिए जो लगातार खांसी से पीड़ित हो, क्रोनिक कफ मीन्स जिसको लगातार खांसी हो, वॉज डेंजरस, खतरनाक हो सकता है, एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड, एक अनुभवी महिला ने कहा। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, एक कम उम्र के नेबर ने, उसकी किसी पड़ोसी ने जो यंगर था उससे, उस अनुभवी महिला से कम उम्र का था, वो इस बात पर उससे लगभग झगड़ पड़ा। उसका कहना था कि वो महिला गलत कह रही है। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा मदर रिमेन्ड क्वाइट। सईदा की माँ बहुत थकी हुई थी और वो उस डिबेट में, उस बहस में हिस्सा नहीं ले सकती थी, इसलिए सईदा की माँ रिमेन्ड क्वाइट, वो चुप रही। बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, पर वो इस बात पर कायम थी, इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो डॉक्टर की एडवाइस को, डॉक्टर की सलाह को फॉलो करेंगी, उसे मानेंगी। फॉरगेट द कंसीक्वेंसेस, शी सेड एट लास्ट, उन्होंने आखिरकार कहा कि परिणाम की चिंता मत करो, फॉरगेट द कंसीक्वेंसेस, परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसे भूल जाओ। आई कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मैं तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को, डॉक्टर की सलाह को एक एक अक्षर तक मानूंगी, मतलब पूरा अक्षरशः मैं डॉक्टर की सलाह का पालन करूंगी। टू द लेटर का मतलब है आई विल फॉलो हिज एडवाइस कंप्लीटली, मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाय फॉर एन आवर डेली, मेरे बेड को अगले कमरे में शिफ्ट कर दो, मेरे बेड को दूसरे कमरे में ले जाओ, एंड लेट मी सिट इन द सन, और मुझे अपनी चारपाई पर धूप में बैठने दो, फॉर एन आवर डेली, रोज एक घंटा। इट सो हैपन्ड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग,
अब कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन भी आसमान में बादल ही छाए रहे। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, उसके अगले दिन भी ठीक ऐसा ही हुआ। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, सईदा की माँ इससे निराश हो गई। शी मटर्ड, वो बड़बड़ाई, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे ईश्वर, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, आपने सूरज को छिपे रहने का आदेश क्यों दिया? हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, अब मैं कैसे ठीक होंगी? सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय, सईदा पास में ही अपनी गुड़िया से खेल रही थी। एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट, और उसने अपनी माँ की आवाज दुख प्रकट करते हुए सुनी। बट केप्ट काम, लेकिन वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, बाद में आफ्टरनून में दोपहर के बाद, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, जब उसने एक धूप के टुकड़े को बरामदे में पाया, शी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर, वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गई यह कहने के लिए कि सूरज निकल आया था। नो नो, सेड एवरीबडी प्रेजेंट, अब वहां पर जो कोई भी मौजूद था उसने कहा, नहीं नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, बहुत देर हो चुकी है और काफी ठंडा भी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वहां पर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, डिसहार्टेंड मीन्स डिस्करेज्ड, सब लोगों की इस बात से सईदा हतोत्साहित हो गई, निराश हो गई, और फिर वो अपनी गुड़िया के पास वापस लौट आई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स रेमनेंट इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, वास्तव में सूरज कुछ था नहीं वहां पर, यानी ज्यादा धूप नहीं थी। एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट, सिर्फ एक छोटा सा धूप का टुकड़ा बचा हुआ रह गया था, इंटेंगल्ड, जो कि फंसा हुआ था इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, जो परिवार के आम के पेड़ की ऊपरी शाखाओं में कहीं पर बचा हुआ रह गया था। ऐसा नहीं है कि सूरज का टुकड़ा कोई वहां पर था, कहने का मतलब है कि थोड़ी सी धूप आम के पेड़ की ऊपर की शाखाओं में से छन करके आ रही थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज, बच्चों के पास उनके अधिकार में एक छुपी हुई भाषा होती है, फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, जो कि ग्रोन अप्स पीपल के लिए, बड़े लोगों के लिए एकदम विदेशी होती है, यानी वो इस भाषा को नहीं जानते। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, और इस छुपी हुई भाषा में वो पेड़ों से, फूलों से, जानवरों से, सूरज से और चांद से, और शायद ईश्वर से भी बातें करते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, उस सीक्रेट लैंग्वेज को जो सिर्फ बच्चों को ही पता होती है, यूज करते हुए सईदा ने लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, सूरज की जो आखिरी जाती हुई किरण थी, उसको अपना रिमार्क एड्रेस किया, उससे कहा। सूरज की जाती हुई किरण से सईदा ने अपनी छुपी हुई भाषा में कहा, डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहन, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कल जरूर आना विद लॉट्स ऑफ वार्मथ, बहुत सारी गर्मी के साथ, एंड ब्राइटनेस, और चमक के साथ, रोशनी के साथ। यू सी माय मदर इज इल, तुम्हें पता है, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, रोशनी ने, सूरज की किरण ने कहा, बिल्कुल पक्का, डोंट लुक अनहैप्पी, उदास मत दिखो, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर, हम तय समय पर यहाँ होंगी। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन बिल्कुल सुबह, व्हेन द स्प्राइटली सन रेज, स्प्राइटली मीन्स एनर्जेटिक, जिंदा दिल, सन रेज, सूरज की किरणें, एम्बेलिश्ड देमसेल्स, वो अपने आप को तैयार कर रही थी, डेकोरेट कर रही थी या सज रही थी, फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ, अपनी धरती तक की यात्रा के लिए। द सनसेट, सूरज ने कहा, इट्स अ डे ऑफ अगेन, आज हमारा फिर से छुट्टी का दिन है।
वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहीं पर रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, क्योंकि द रोड टू अर्थ जो धरती तक का रास्ता है, धरती की जो सड़क है वो ब्लॉक की हुई है, उसे बंद किया हुआ है बाय एन आर्मी, एक सेना ने, ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, और ये सेना डर्टी गंदे और घने बादलों की है, यानी गहरे घने काले बादलों ने धरती तक के रास्ते को रोक रखा है, इसलिए आज हम यहीं पर रहेंगे और हम धरती पर नहीं जाएंगे। द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। छोटी छोटी किरणें बहुत ज्यादा इच्छा रखती थी धरती पर जाने की। फॉर ए लार्क, फॉर अ लार्क इज एन इडियम एंड इट मीन्स जस्ट एज अ वे टू हैव फन। और उन्हें धरती पर जाना था सिर्फ मजे करने के लिए, सिर्फ इंजॉय करने के लिए। बट दे रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन वो चुपचाप रहीं। वन ऑफ देम दो, उनमें से एक लेकिन, हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा, जिसने छोटी सईदा के साथ एक पैक्ट किया था, एक समझौता किया था, उसने कहा, सेड सर आई कांट स्टे बैक, सर मैं तो नहीं रुक सकती। I have given my word to Saida. मैंने अपनी जबान दे रखी है सईदा को, whose mother is ill, जिसकी माँ बीमार है, and needs our help, और जिसे हमारी मदद की जरूरत है। I'll pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. मैं तो जबरदस्ती बादलों को भेदती हुई सईदा के courtyard में, सईदा के बरामदे में पहुंच जाऊंगी। How else will her mother be cured? वरना उसकी माँ कैसे ठीक होगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। इसको सुनने के बाद लगभग सारी ही रेज ने, सारी ही किरणों ने अपने पिता सूरज के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, उन सब ने एक सिंगल वॉइस में, एक आवाज में कहा, कल्पना करो फिर से यहीं ऊपर आसमान में रहने की। What will the people of the earth say about us? धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? That we of the heavens have turned liars, कि हम heavens के लोग, हम स्वर्ग के लोग, we have turned liars, हम झूठे हो गए हैं, हम झूठ बोलने लगे हैं। The sun relented. Relented means gave in or accepted. सूरज ने आखिरकार उनकी बात मान ली। Please yourselves, he said. उसने कहा, ठीक है भाई, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो। Mind your clothes, दो अपने कपड़ों का लेकिन ख्याल करना। The clouds are mucky, बादल बड़े गंदे हैं। Never mind our clothes, हमारे कपड़ों की चिंता मत करिए। We can always change, कपड़े तो हम बदल ही सकती हैं। But go we must, लेकिन जाना तो हमें जरूर है। And the rays rushed towards the earth, और किरणें धरती की तरफ दौड़ पड़ी। The clouds stood guard between them and Saida's courtyard. बादल उनके और सईदा के courtyard के बीच में एक बाधा की तरह खड़े थे। They stood guard means वो रक्षा कर रहे थे इस बात की कि वो सईदा के courtyard में ना जा पाएं। वो बीच में एक बाधा की तरह खड़े थे। The little rays focused their heat. छोटी किरणों ने अपनी सारी हीट को, गर्मी को फोकस किया, केंद्रित किया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और उनके पास पर्याप्त गर्मी थी। इट हियर हैज बीन यूज्ड फॉर द हीट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, और उन्होंने अपनी सारी गर्मी एक क्लाउड्स की बटालियन पर, बड़े बड़े बादलों के टुकड़ों पर लगा दी। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और उस बटालियन को, उस क्लाउड्स की बटालियन को आखिरकार अपनी पोस्ट छोड़ करके भागना पड़ा, अपनी जगह से भागना पड़ा। द रेज गॉट थ्रू, किरणें निकल आईं, शूटिंग पास्ट द बिवाइल्डर्ड क्लाउड्स, और वो उन हैरान परेशान बादलों से आगे निकल गईं। दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो तो पहले ही लेट हो चुकी थी, इसलिए वो बड़ी तेजी से, जैसे कि वो शूट करते हुए जा रही हूं, ऐसे बादलों के सामने से होते हुए निकल आई। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. जब सईदा ने किरणों के पूरे झुंड को आते हुए देखा तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा।
she saw the whole host of them. Them here means sun's rays. Saida ne suraj ki kirnon ke pure jhund ko aate hue dekha. Approaching means coming near. And her heart leapt with joy. Aur uska dil khushi se uchhal pada. She shouted, Amma, Amma. Wo chillai, Amma. The sun is here. Suraj nikal aaya hai. Come out. Bahar aao. The old lady's eyes welled up with tears of gratitude. बूढ़ी महिला की आंखों में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के आंसू भर आए. Gratitude means thankfulness या आभार प्रकट करना, कृतज्ञता. Her charpoy was placed in the courtyard. उनकी चारपाई को बरामदे में रख दिया गया. And she sat on it for an hour. और वो एक घंटा उस पर बैठी, reclining against bolsters. और वो रिक्लाइन कर रही थी, सहारा लेकर के बैठी थी बोल्स्टर्स का. बोल्स्टर्स का मतलब होता है गोल लंबा तकिया, जिसे गाव तकिया या मसनद भी कहते हैं. इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रेथड इन फ्रेश एयर. उन्हें सूरज की धूप को अपने हाथों और चेहरे पर महसूस किए हुए और खुली हवा में सांस लिए हुए महीनों हो चुके थे. तो अब जब वो खुले में बैठी, तब शी थॉट शी वॉज इन ए न्यू वर्ल्ड. तब उन्हें लगा कि वो तो किसी नई दुनिया में है. दो पेल, अभी भी वो कमजोर थी, यद्यपि पीली पड़ी हुई थी, कमजोर थी. हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट. उनका चेहरा चमक रहा था. एंड हर आईज शोन ब्राइट. और उनकी आंखों में भी चमक थी. She saw her child too bathed in sunlight and kissed her. उन्होंने अपने बच्चे को भी रोशनी में, सूरज की धूप में नहाया हुआ देखा और उसे चूमा. The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers. सुबह की हवा एक नई खुशबू लेके आई थी पास के ही फूलों से. The birds chanted a new tune. चिड़ियों ने भी एक नई रागिनी गाई, एक नया संगीत छेड़ा. सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी. सईदा की माँ अभी ही अच्छा महसूस करने लगी थी. शी इज फुली रिकवर्ड नाउ. अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं. बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस. लेकिन आज भी वो डॉक्टर की एडवाइस को, डॉक्टर की सलाह को फॉलो करती हैं, उसे मानती हैं. एन आर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. हर रोज वो एक घंटा धूप में बैठती हैं. एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर. और फेफड़ों में जी भर के साफ हवा में सांस लेती हैं. लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर का मतलब है वो अपने फेफड़ों में जी भर के फ्रेश एयर भरती हैं, यानी साफ हवा में सांस लेती हैं एवरीडे, हर रोज. What did the physicians ask Saida's mother to do to get well? Physicians ne, doctors ne Saida ki maa se kya karne ke liye kaha theek hone ke liye? Did their advice help her? Kya unki salah se Saida ki maa ki madad hui? If not, why? Agar nahi hui to kyo nahi hui? The physicians advised Saida's mother not to take normal food and to remain continuously confined in a small dark room. Physicians ne Saida ki mother se kaha ki wo normal khana na khaye. और वो बराबर एक छोटे अंधेरे कमरे में कन्फाइंड रहें, बंद रहें. देयर एडवाइस डिड नॉट हेल्प हर. उनकी एडवाइस सईदा के माँ की मदद नहीं कर सकी. शी वॉज नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट. उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल पा रही थी. एंड नो एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज भी उनकी नहीं हो रही थी. एज शी रिमेन्ड इनसाइड अ रूम अवे फ्रॉम सनशाइन एंड फ्रेश एयर. क्योंकि वो एक कमरे में बंद थी और इस कमरे में धूप भी नहीं आती थी और उन्हें साफ हवा भी नहीं मिलती थी. What did the specialist prescribe in addition to medicine? स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने दवाई के अलावा उन्हें क्या प्रेस्क्राइब किया, उन्हें क्या करने का सुझाव दिया? In addition to medicine, the specialist told her to eat anything she wished to eat. मेडिसिन के अलावा स्पेशलिस्ट ने उन्हें सुझाव दिया कि वो जो कुछ भी उन्हें खाने की इच्छा है वो सब खाएं, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा. ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू शिफ्ट टू अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन
and to sit in the sun every morning from 8 to 9. उसने उन्हें यह भी सलाह दी कि वो एक बड़े कमरे में बैठें जिसकी खिड़कियां और दरवाजे खुले हों और रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक वो बाहर धूप में बैठें. द डॉक्टर स्ट्रेस्ड दैट सनशाइन एंड फ्रेश एयर आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन. डॉक्टर ने इस बात पर स्ट्रेस किया, इस बात पर जोर डाला कि धूप और साफ हवा दवाई से भी कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. Why were the sun's rays keen to go down to the earth the next day? सूरज की किरणें अगले दिन धरती पर जाने के लिए उत्सुक क्यों थीं? The sun rays had promised Saida that they would help her. सूरज की किरणों ने सईदा से वादा किया था कि वो उसकी मदद करेंगी. They had made a pact with her. उन्होंने उसके साथ समझौता किया था that they would bring down warmth and brightness. कि वो अपने साथ गर्मी और रोशनी लेकर के आएंगी. So they were keen to go down to the earth the next day. इसीलिए वो अगले दिन धरती पर जाने के लिए बहुत उत्सुक थीं. Who made the pact with the sun? What was it about? सूरज के साथ समझौता किसने किया था और ये पैक्ट किस बारे में था? A small girl Saida made a pact with the sun. एक छोटी बच्ची सईदा ने सूरज के साथ पैक्ट किया था. Her mother was not well. उसकी माँ बीमार थी. She needed the warmth of the sun and fresh air. और उसकी माँ को सूरज की गर्मी की और साफ हवा की जरूरत थी. So in her mysterious language, इसलिए अपनी mysterious language में, अपनी रहस्यमयी भाषा में, अपनी secret language में, Saida requested the rays of the sun. Saida ने सूरज की किरणों से request की to come the next day, कि वो अगले दिन आए with lots of warmth और बहुत सारी गर्मी अपने साथ लाएं. How did Saida's mother feel on that sunny day? Saida की माँ ने उस धूप वाले दिन कैसा महसूस किया? Saida's mother felt the sun on her face and she breathed in fresh air. Saida की माँ ने सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस किया और उन्होंने साफ हवा में सांस ली. She thought she was in a new world. और उन्हें महसूस हुआ कि वो तो एक नई दुनिया में हैं. Her eyes shone bright. उनकी आंखें चमक रही थीं. And she started recovering speedily. और वो तेजी से ठीक होने लगी. Comment on the aptness of the title of the story, A Pact with the Sun. What message or idea does the story bring home to you? कहानी का टाइटल कितना उचित है इसके बारे में कमेंट करिए और ये कहानी आपके लिए क्या संदेश लेकर आती है? A Pact with the Sun is an educative story. Pact with the Sun एक शिक्षाप्रद कहानी है. It tells us that fresh air and sunshine are necessary to maintain health. ये कहानी हमें बताती है कि साफ हवा और सूरज की रोशनी या धूप हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, सेहत को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। Even the sick people need these two things. बीमार लोगों को भी इन दोनों चीजों की जरूरत होती है. They must not be kept confined in dark rooms. Sick यानी बीमार लोगों को अंधेरे कमरों में बंद नहीं रखना चाहिए. They should be given normal food. उन्हें नॉर्मल फूड यानी सामान्य भोजन दिया जाना चाहिए. द स्टोरी टेल्स अस सईदाज मदर वॉज डिनाइड हेल्दी फूड सनशाइन एंड फ्रेश एयर. ये कहानी हमें बताती है कि सईदा की माँ को हेल्दी फूड मना कर रखा था. उन्हें सूरज की धूप और फ्रेश एयर से भी दूर रखा गया था. शी रिमेन्ड सिक और वो तब तक बीमार रही. बट हर डॉटर मेड अ पैक्ट विद द सन रेज टू प्रोवाइड सनशाइन टू द सिक वुमन. लेकिन उनकी बेटी ने सूरज की किरणों के साथ एक समझौता किया ताकि बीमार महिला को रोशनी या सूरज की धूप मिल सके. एंड द रिजल्ट वॉज वंडरफुल और परिणाम बहुत ही शानदार रहा. शी कंप्लीटली रिकवर्ड. वो पूरे तरीके से ठीक हो गई. डियर चिल्ड्रन, आई डू होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. Please do not forget to press the like button and also hit the subscribe button so that you get regular notifications whenever I upload a new video. बच्चों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कृष्णा क्लासेस को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा. वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया.